हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स वी आर बैक विद द एफएम नाउ। थोड़ा सा हम लोगों ने गैप किया था एफएम में, ठीक है। क्यों सर? पर्पसफुल गैप था कि थोड़ा सा बाकी चैप्टर्स को, बाकी सब्जेक्ट्स को पुशअप कर लिया जाए, क्योंकि एफएम में अब जो है हमारे पास, एफएम में हमारे पास छोटे छोटे चैप्टर्स रह गए हैं। बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े चैप्टर्स थे वो हमने कम्प्लीट कर लिए। अब हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में, दैट इज़ रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। देखो, अगर एफएम की बात करूं तो मेरे पास इन ऑल तीन चैप्टर्स बचे हैं, ठीक है ना। अगर एफएम की बात करूं तो मैं इसको डिवाइड करता हूं न्यू कोर्स में। मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा ये डिस्कस किया था, जब मैंने डिविडेंड कंप्लीट किया था जिस लेक्चर में, तो वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या है कि न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स में। न्यू कोर्स में मेरे पास दो चैप्टर्स बचे हैं, कौन सा? एक तो ये जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिस्क एनालिसिस, और दूसरा चैप्टर बचता है मेरे पास लीज फाइनेंसिंग, ठीक है। और ओल्ड कोर्स में मेरे पास कौन सा बचता है? ओल्ड कोर्स में मेरे पास जो एक मेजर चैप्टर बचता है, दैट इज़ कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है जी। अब इसमें सर प्रॉब्लम क्या आ रही है एक मेजर? एक तो ये ओल्ड कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा मई 20 के बाद, जो अभी तक की इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मई 20 इज़ द लास्ट अटेम्प्ट फॉर द आईपीसीसी, क्लियर। लेकिन चलो, हम लोग मई अटेम्प्ट तक तो है ना, तो मई अटेम्प्ट तक के लिए तो स्टूडेंट्स के लिए तो करना है हमें, तो कैश फ्लो फंड फ्लो कवर करवाऊंगा, डोंट वरी। यही बात लीज फाइनेंसिंग के बाद है। लीज फाइनेंसिंग तो सर नवंबर 19 अटेम्प्ट के बाद ख़त्म है, वो तो मई 20 तक भी नहीं जा रहा, नवंबर 19 अटेम्प्ट है, उसके बाद लीज फाइनेंसिंग ख़त्म है। लेकिन हमें फिर भी टच करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी नवंबर 19 अटेम्प्ट भी नहीं आई है। नवंबर 19 अटेम्प्ट के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं न्यू कोर्स के, तो उनके लिए लीज फाइनेंसिंग भी कवर करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग करेंगे रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, जो कि सिर्फ न्यू कोर्स के लिए है, ओल्ड कोर्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स इस लेक्चर को सुनना। ऑर्डर क्या रहेगा मेरा? पहले रिस्क एनालिसिस करवाऊंगा, उसके बाद कैश फ्लो फंड फ्लो करेंगे, उसके बाद लीज फाइनेंसिंग करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग के साथ, क्लियर है। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, रिस्क एनालिसिस, कैश फ्लो फंड फ्लो एंड देन लीज फाइनेंसिंग। दिस इज द होल कोर्स दैट इज लेफ्ट फॉर एफएम। यही कुछ है एफएम में, अब इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है कुछ भी, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। अब हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग तो पढ़ लिया था ना, कैपिटल बजटिंग क्या था? कैपिटल बजटिंग में सर कुछ याद है? हम तो भूल गए सर, आपने बहुत पहले करवाया था कैपिटल बजटिंग, और जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी बोलते हैं, राइट। चलो, है क्या कैपिटल बजटिंग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों ने किसी प्रोजेक्ट में, किसी एसेट में पैसा लगाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, तो सबसे पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं हमारे पास। यही कहा था हमने कि कैपिटल बजटिंग के जो भी डिसीजंस हैं, दीज आर द लॉन्ग टर्म डिसीजंस, कि एक बार पैसा लगाया तो वो जल्दी वापस नहीं मिलने वाला। वो पैसा लगा दिया आप लोगों ने कहीं बिजनेस में लगा दिया, तो उसमें से धीरे धीरे कमाओगे तब जाकर वो पैसा रिकवर हो पाएगा। तो दीज आर द लॉन्ग टर्म डिसीजन, सो दीज डिसीजंस हैव टू बी टेकन वेरी वेरी केयरफुली, कीपिंग इन व्यू ऑल द सिनेरियोज, मार्केट सिनेरियोज को कंसिडर करते हुए, अपनी पॉकेट को कंसिडर करते हुए, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको ये कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस लेने हैं, ठीक। हम लोगों ने यही कहा था कैपिटल बजटिंग में, बिल्कुल जी, बिल्कुल सर यही किया था। अब कैपिटल बजटिंग में हम लोगों ने दो चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस किया था। कौन सी दो चीज़ें थी जिनके ऊपर हमने बहुत फोकस किया था? एक था मेरे पास कैश आउटफ्लो और दूसरा था मेरे पास कैश इनफ्लो। हमारा चैप्टर का एक बेस था ये दो चीज़ें, इसके आसपास हमारा चैप्टर पूरा घूमता जा रहा था
क्या एनपीवी टेक्निक की, वहां पर भी कैश आउटफ्लोज इनफ्लोज, पे बैक किया कैश आउटफ्लोज इनफ्लोज, ठीक है, आईआरआर किया वहां पर भी कैश आउटफ्लोज इनफ्लोज, तो हर चीज हमारी किसके अराउंड घूम रही थी, कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज के आसपास। मतलब क्या हुआ, कैपिटल बस्टिंग में हम क्या देखते हैं, इनिशियली हमें पैसा लगाना है एक मशीनरी को बाय करने के लिए, दैट इज अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, मुझे एक मशीनरी बाय करनी है अपनी फैक्ट्री के लिए, सो दैट इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, दैट इज अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, राइट। उसके लिए मुझे 10 लाख रुपए लगाने हैं, मैंने 10 लाख रुपए अपनी पॉकेट से लगा दिया, दैट इज व्हाट, अ कैश आउटफ्लो। फिर हम आइडेंटिफाई क्या करते हैं कि वो मशीनरी हमें कितना पैसा कमा कर दे रही है, राइट। सर मशीनरी कैसे पैसा कमाएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी की है, क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, कॉस्ट कम होगी, तो मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो कैश इनफ्लोज हम लोग ले सकते हैं कि उस मशीन के कारण, उस कैपिटल बजटिंग डिसीजन के कारण हमारे पास कैश इनफ्लोज कितने हो रहे थे। हम लोगों ने ये किया ना, हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे कहते थे 10 लाख रुपए का आउटफ्लो है और हर साल आपको 2-2 लाख रुपए इनफ्लो होंगे, ठीक है। हमने कहा आपको 5 साल के लिए या 6 साल के लिए आपको 2-2 लाख रुपए का इनफ्लोज होगा। हो क्या रहा था, कैपिटल बस्टिंग में हमारे पास ये चीज भी गिवन थी, हमारे पास ये चीज भी गिवन होती थी, बस हमें करना क्या होता था, हमें डिसाइड करना है कि क्या हमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना, बस इतना काम होता था हमारा कैपिटल बजटिंग में। या हमें तो कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि अगर इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से, या आईआरआर कैलकुलेट करते थे कि एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जहाँ पर एटलीस्ट मुझे नुकसान ना हो, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी ना हो, जहाँ पर मेरा कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू इनफ्लोज हो जाए, ठीक है। अब आया एक मेजर फैक्टर इसमें, हमने कह तो दिया कि 2-2 लाख रुपए 5 साल के लिए आपको इनफ्लोज होंगे, सर आप फ्यूचर को कैसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हो, कर सकते हो? बड़ा सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आप लोग एग्जामिनेशन पेपर लिख के घर वापस आए, ठीक है, आपने कहा जी मेरा 96 का अटेम्प्ट है, 85 तो मेरे आ ही जाएंगे हर हाल में, वो क्या है कैश इनफ्लो है ना, मार्क्स का इनफ्लो होने वाला है, 85 तो मेरे हर हाल में आ जाएंगे, सीए इंटरमीडिएट के पेपर में 85 तो आए पड़े हैं 100%, मेरा इतना मैं अच्छा पेपर करके आया हूँ, रिजल्ट आया, मार्क्स आए 40, चलो पास हो गए। सर एक्सपेक्टेशन थी मेरी 85 की, मैं सोच के चल रहा था कि 85 तो आएंगे आएंगे, जब तक मैं ये इस लेवल पे था कि मेरे 85 तो आएंगे आएंगे, मैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन पढ़ रहा था, जब मैंने कहा 2 लाख का इनफ्लो तो आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक मेजर फैक्टर स्टार्ट हुआ, रिस्क फैक्टर। आप फ्यूचर को कैसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हो, आपने अपनी तरफ से एग्जाम लिखा, आप रिजल्ट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, कर सकते हो ऐसे आई का रिजल्ट प्रिडिक्ट, सर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या कॉस्टिंग में किसी ने सोचा था मई 19 में ऐसा रिजल्ट आएगा, कोई सोच रहा था मई 19 में कॉस्टिंग FM का इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा, किसने सोचा था? बच्चे कह रहे सर हम तो 70-80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए और मार्क्स इंस्टीट्यूट ने दिए 20-22-25-30, इस तरह से मार्क्स दे रहा है इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इज नेवर पॉसिबल, जब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है तो यहां पर एक फैक्टर आ जाता है रिस्क का, कि हम लोग 10 लाख तो आज लगाने हैं ऑन द प्रिजम्पशन कि हमें 5 साल के लिए 2-2 लाख रुपए आएंगे, लेकिन इसमें रिस्क है सर, अगर किसी साल 2 लाख रुपए नहीं आए तो क्या करोगे, 10 लाख तो आज लगा दोगे इस सोच के साथ कि 2-2 लाख रुपए आएंगे, अगर ना आए तो क्या होगा, फिर रिस्क फैक्टर है ना, बिल्कुल सर। क्यों होता है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। हमने क्या कहा था, हमने कहा हमने तो डिसीजन ले लिया किस बेसिस पे कि आज 10 लाख रुपए लगाएंगे तो 5 साल के लिए 2-2 2.5-2.5 लाख रुपए आते रहेंगे,
सर किसने देखा आने वाला 5 साल, हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो भी मान लिया, ठीक है ना। लेकिन सर 5 साल की प्रिडिक्शन किसने देखी है, हमें अगले दिन नहीं पता होता क्या होने वाला। तो वहां पर एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो चीज आप कैश इनफ्लोस कर रहे हो, दिस इज एजम्पशन बेस्ड, ठीक है। आपने कोई बहुत अच्छा एक फाइनेंशियल मैनेजर हायर कर लिया, उसने आपको ये चीज़ बोल दी, किस बेसिस पे बोली होगी, उसने भी कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बोला होगा, कुछ एजम्पशन के बेसिस पे बोला होगा कि इतना कैश इनफ्लो आपको होगा। लेकिन उसमें एक रिस्क फैक्टर हमेशा एग्जिस्ट करेगा कि अगर ऐसा ना हुआ तो, ठीक है। आप लोग सीए का कोर्स ज्वाइन करते हो, जब ज्वाइन करते हो उस टाइम हमें बड़ा जोश होता है कि जी हम लोग वन गो में सीए निकाल देंगे, बिल्कुल जोश होता है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एक रिस्क फैक्टर ज़रूर एग्जिस्ट करता है, क्या, कि अगर इन केस हम लोग सीए नहीं कर पाए तो क्या करेंगे। रिस्क फैक्टर तो रहता है ना हमेशा सीए में, तो और सीए करना क्या है, क्या वो किसी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से कम है, नहीं सर, किसी भी तरह से वो एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन से कम नहीं है, लॉन्ग टर्म है सर, 6 साल लग जाते हैं सीए करते, 5 साल 6 साल लग जाते हैं सीए करते, ठीक है, पैसा भी बहुत लगता है, क्लियर है, और उसमें कोई वापसी भी नहीं है। पहले बता दूं, ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए तो वापसी, यार अब मैं नहीं कर रहा, इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन कराई, 10,000 रुपये पे किए, 2 दिन बाद इंस्टीट्यूट को बोल दिया जी मुझे पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा, 10,000 रुपये वापस दे दो। इंस्टीट्यूट इतना मेहरबान नहीं है कि वो आपको 10,000 रुपये वापस देगा, वो कहता है नहीं पढ़ना, आपकी मर्जी, 10,000 रुपये मेरे हुए, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूट का हम लोग कह रहे, सॉरी इंस्टीट्यूट क्या कह रहा हूँ, जो भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ठीक है, हम लोग लेते हैं, तो पढ़ाई से रिलेटेड भी है जो भी, तो वो भी हमारा एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, और उसमें रिस्क हमेशा इन्वॉल्व है कि अगर सीए ना हुई तो क्या होगा। सिमिलरली कैपिटल बस्टिंग में अगर 2 लाख रुपए का कैश इनफ्लो ना हुआ तो क्या होगा, ठीक। अब उसने 2 टर्म्स यूज की, उसने कहा 2 अलग अलग मेरे पास टर्म्स हैं, कौन कौन सी, उसने कहा एक टर्म है मेरे पास रिस्क और दूसरी टर्म है अनसर्टेनिटी, ठीक है जी। वो कहते हैं रिस्क क्या होता है, रिस्क कहता है कि आपको कैश इनफ्लोज आर नोन बट देयर इज अ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व्ड, देयर इज अ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। आपको पता है कि कैश फ्लोस कितने होंगे, बट उसमें एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है व्हेन द कैश इनफ्लोज आर नॉट नोन, जब आपको पता ही नहीं है कि कैश इनफ्लोज कितने होंगे, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है। रिस्क वो सिचुएशन है जहां पर कैश इनफ्लोज पता है कितने होंगे लेकिन रिस्क इन्वॉल्व होगा उसमें, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी क्या है, जहां पर आपको पता ही नहीं है कि कैश इनफ्लोज, आप सीए का कोर्स करने घुस गए, आपको पता है नहीं कुछ भी होता क्या है, क्या लेवल्स होते हैं, क्या पढ़ना है, क्या होगा आगे बनकर क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं पता, तो क्या है, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, क्लियर है। तो अब हम लोग कहते हैं कि जब भी कोई कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेना है तो उसमें रिस्क फैक्टर को इन्वॉल्व करके चलो साथ में, उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि रिस्क फैक्टर हमेशा होगा। बहुत सारा पैसा लगाना है सर, 10 लाख रुपए लगाना है, तो वो कहता है कि उसको रिस्क को साथ में लेकर चलो, इसीलिए उसने नाम दिया रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, ठीक है। सर रिस्क किस चीज का रिस्क हो सकता है, रिस्क किस किस तरह से हो सकता है, तो उसके लिए उसने कहा सोर्सेज ऑफ रिस्क क्या हो सकते हैं, सोर्सेज ऑफ रिस्क क्या हो सकते हैं। उसने कहा
कि सबसे पहले हो सकता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क, ये सब आपके इंस्टीट्यूट के उसमें दिया हुआ है, नो नीड टू वरी अबाउट, राइट। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क आपके इंस्टीट्यूट में सारा कुछ दिया हुआ है, मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग जब रीड करो तो आपको पता हो कि हाँ हम क्या इसका मीनिंग है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क क्या होगा, आपने कहा कि मैं आज 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट ले रहा हूँ जो मुझे 2-2 लाख रुपए हर साल देगा, ठीक है, लेकिन अगर उस प्रोजेक्ट ने किसी साल में 2 लाख रुपए नहीं दिए तब क्या होगा, और अगर वो प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं हुआ तो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है ना। मैंने तो सोचा था 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 5 साल में 2-2 लाख रुपए आएंगे, काम खत्म, लेकिन वो प्रोजेक्ट चला गया 7th ईयर में जाकर, वहां से अर्निंग्स होनी बंद हो गई 5 साल के बाद, मेरी तो सारी कैलकुलेशन गलत हो गई ना, जो मैंने सोचा था वो तो सारा गलत हो गया, राइट। सो इट कैन बी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सेकेंड हो सकता है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, ठीक है। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क कैसे हो सकता है कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है किसी कंपनी में, 10 लाख रुपए की मैंने पैसा लगाना है उस कंपनी में, ठीक है जी, लगा देते हैं कोई बात नहीं, आपने सारा कुछ कर लिया, एनालिसिस कर लिया, सब कुछ कर लिया, 2 साल के बाद एकदम से कंपनी की पोजीशन डाउन आनी शुरू हो गई, कंपनी लॉसेस में जाना शुरू हो गई, कंपनी के ऊपर केसेस सूट फाइल हो गए, ठीक है, फ्रॉड के एकदम से पता चला कि कंपनी ने एक बहुत तगड़ा फ्रॉड कर रखा था, बहुत मेजर फ्रॉड कर रखा था, कंपनी की सब कुछ एकदम शेयर्स डाउन आने लगे, पोजीशन डाउन आने लगी, सब कुछ किया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट तो डूबगी सर, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो दिस इज अ कंपनी स्पेसिफिक रिस्क दैट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कंपनी, राइट। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, ये कैसा रिस्क है जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हिट करता है, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई कि आपने लेदर के प्रोडक्ट्स नहीं बनाने या लेदर के प्रोडक्ट्स इस तरह से बनाने हैं, तो दैट इज अ इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, ठीक, क्लियर हो गया, दैट इज व्हाट इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। अगला आया मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क क्या है, एक ऐसा रिस्क जो पूरी के पूरी मार्केट को ही इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज को आ जाती हैं, तो वो क्या है, वो पूरी के पूरी मार्केट को हिट करेगी सर, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को नहीं हिट करेगी। जब जीएसटी आया तो जीएसटी ने क्या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हिट किया, नहीं सर, उसने ओवरऑल मार्केट को हिट कर दिया एकदम से, ठीक है। जब जीएसटी आया था जुलाई 2017 में, दैट वॉज द टफेस्ट टाइम, एकदम से सारे के सारे बिजनेस नीचे आए थे, एकदम से 1-2 महीने के लिए सारे के सारे बिजनेस नीचे आए थे, मार्केट ओवरऑल ही डाउन आ गई थी एकदम से। क्यों आई थी, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि बिजनेस करना कैसे है, जीएसटी करना कैसे है, क्या अप्लाई करना है, क्या नहीं करना, कैसे नंबर लेना है, क्या सेल करनी है, क्या परचेज करनी है, किस तरह से उसका आउटपुट होगा, किस तरह से इनपुट होगा, लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है ना। हम लोगों को बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट समझते समझते टाइम लगा, तो एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने बिजनेस में डील करना है उसको तो बहुत टाइम लगा समझने को। तो अगर जुलाई और अगस्त के आप स्पेसिफिकली आप फोकस करके किसी बिजनेस का काम देखोगे ना, जुलाई अगस्त 2017 की किसी की रिकॉर्ड्स देख लेना, किसी की लेजर देख लेना, उसमें एंट्रीज बहुत कम होंगी, ठीक है। अब जाओगे ना आर्टिकलशिप पे कहीं ना कहीं, अगर किसी मिड साइज फर्म में अगर कहीं जाते हो, बट जो बड़ी कंपनीज थी वो काम कर रही थी, उनके लेवल पे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो मिड साइज और स्मॉल लेवल पे जो काम कर रहे थे लोग, उसमें से किसी की लेजर उठाना जुलाई 2017 की, ठीक है, और उसे कंपेयर करना किससे, अप्रैल मई 2017 से कंपेयर कर लेना, पता चल जाएगा कि काम कितना डाउन आया था एकदम से, ठीक है। तो ये होता है मार्केट रिस्क, जब पूरे के पूरी मार्केट को हिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आया कंपटीशन रिस्क, कंपटीशन रिस्क क्या है कि सपोज करो कि आज आपकी मोनोपोली है मार्केट में,
कल को जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वही प्रोडक्ट आपका कॉम्पिटिटर बनाना शुरू कर दे, कोई एक और इंडस्ट्री आपके एरिया में आके लग गई, वही क्वालिटी का सेम प्रोडक्ट वो बनाना शुरू कर दे मार्केट में एट अ लोअर रेट, ठीक है, आपने तो इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, तो उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क आ गया या नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। किस चीज़ का? कंपटीशन का, कि कोई कॉम्पिटिटर हमारे पैरेलल आके खड़ा हो गया, जिसने कि पैरेलल बिजनेस खड़ा कर लिया, वही सेम प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया उसने, और उसने क्या किया पता नहीं कैसे किया, उसने कॉस्ट कम कर ली अपनी, रेट कम कर दिया उसने, ठीक है, दैट इज अ कॉम्पिटिशन रिस्क। अगला क्या आता है? रिस्क ड्यू टू, रिस्क ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस। अब सपोज करो कि 2007 में मैंने एक प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए लगा दिए ऑन द एजम्पशन कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चलने वाला है, इकोनॉमी बूम कर रही है, 2-2 लाख रुपए मुझे इनकम जो है कैश इनफ्लोज आएंगे। 2008 में एकदम से इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, 2008 में बहुत ही ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया ओनली, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। तो उस टाइम पे सर कौन आपको 2 लाख रुपए के कैश इनफ्लोज देगा? कोई नहीं देगा, हुआ या नहीं? रिस्क ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस। आपको नहीं पता कल को इकोनॉमी अप जाने वाली है या डाउन जाने वाली है, डाउन भी पता नहीं चलेगा कब डाउन जाएगी। इवन अगर आज के टाइम की बात करूँ मैं, अभी 2019 में हम लोग हैं, सेप्टेम्बर 2019 में है, ठीक है, तो इस टाइम पर भी हमारी इकोनॉमी अभी डाउन जा रही है, हमारी इकोनॉमी कोई बहुत अच्छे लेवल पे नहीं जा रही है, आर इकोनॉमी इज गोइंग डाउन डे बाय डे एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू फॉल फॉर अनदर ईयर एंड अ हाफ, 2020 तक एक्सपेक्टेड है कि अभी इकोनॉमी डाउनफॉल पे रहेगी, तो उस केस में आपका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल रिस्क। अब इंटरनेशनल रिस्क क्या है? इंटरनेशनल रिस्क क्या है? मैं एक प्रोडक्ट यूएसए को बेचता हूं, ठीक है, उस प्रोडक्ट पे यूएसए ने मेरे को टैक्स वेवर किया हुआ है, वो कहता है कि जी मैं आपसे कोई इस प्रोडक्ट पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी है वो मैं नहीं लगाता। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, वो प्रोडक्ट फटाफट पूरी फुल क्वांटिटीज में बनाना शुरू कर दिया, भेजना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद मिस्टर ट्रंप अपनी पॉलिसी चेंज कर देते हैं, वो कहते हैं जी इसके ऊपर 20% टैक्स लगाओ, इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, अब क्या होगा? मैंने तो इन्वेस्टमेंट की थी उस हिसाब से कि उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा तो मुझे अच्छा पैसा बचेगा, लेकिन अब तो उन्होंने 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो मैं अब उस प्रोजेक्ट में से क्या कमाऊँगा और क्या खाऊँगा, ठीक है ना, कोई फ़ायदा ही नहीं है वो प्रोजेक्ट करने का। दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल रिस्क, कि इंटरनेशनल पॉलिसीज कब चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए, स्पेशली इन द टुडे सिनेरियो, अगर प्रैक्टिकली भी देखा जाए आज के सिनेरियो में जिस तरह से चाइना और अमेरिका की वॉर चल रही है, ट्रेड वॉर चल रही है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उस कंडीशंस में इंटरनेशनल रिस्क इज़ वेरी वेरी हाई। अगर आप सोचो कि किसी इंटरनेशनल मार्केट में आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सोच समझ के करना वो इन्वेस्टमेंट। इस टाइम पे इंटरनेशनल रिस्क इज़ एट इट्स पीक एंड इट इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर द इकोनॉमिक स्लो डाउन, ठीक। तो ये होता है हमारे पास सोर्सेज ऑफ रिस्क, कि रिस्क कैसे कैसे किया जा सकता है। तो हम कहते हैं कि अब जो मेन मुद्दा है हमारा, कि जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस है हमारे, उसमें हमें रिस्क को लेकर चलना है, साथ में रिस्क को एडजस्ट करना है इन द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, ठीक है। आउटफ्लोज तो चलो आज की डेट में हो जाएंगे, उसमें कोई रिस्क नहीं है, लेकिन रिस्क किस में आता है? रिस्क आता है कैश इनफ्लोज में। हम प्रेजेंट वैल्यू किसकी कैलकुलेट करते हैं? इनफ्लोज की करते हैं ना, आउटफ्लोज तो आज की डेट में हम कर देते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू किसकी है? इनफ्लोज की। तो वो कहता है इनफ्लोज में से हमें रिस्क को एडजस्ट करना है इन द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, तब जाकर हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक। अब इसके लिए उसने कुछ टेक्निक्स दी,
उसने कहा टेक्निक्स ऑफ, टेक्निक्स ऑफ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। वो कहता है हम लोग रिस्क को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट में, उसकी टेक्निक्स बताओ हमें। तो हमने कहा कि ये जो टेक्निक्स हैं इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया उसने, ठीक है जी, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? एक हमारे पास रही स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, दूसरा रहा हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, और तीसरी हमारे सॉरी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का पार्ट है ये तो, नॉट दिस, सेकंड है हमारे पास कन्वेंशनल टेक्निक्स, कन्वेंशनल टेक्निक्स, और तीसरी हमारे पास है अदर टेक्निक्स, कि इन दोनों को छोड़कर अगर कोई और टेक्निक्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या है सर, स्टैटिस्टिकल में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? स्टैटिस्टिकल में हमारे पास है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दूसरा मेरे पास आएगा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, और तीसरा आता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्लियर। तो ये तीन टेक्निक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। कन्वेंशनल टेक्निक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। नंबर वन आती है हमारे पास रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, और दूसरा हमारे पास आता है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स। अदर टेक्निक्स, अदर टेक्निक्स में मेरे पास है सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेकंड हमारे पास है सिनेरियो एनालिसिस। इजी इजी टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाला है या गहराई में जाने वाली चीज नहीं है। थर्ड हमारे पास है सिमुलेशन, और फोर्थ हमारे पास है डिसीजन ट्री, ठीक है। अरे सर इतना बड़ा चैप्टर, इतनी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, फटाफट से कंप्लीट हो जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने सर एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया आप लोगों को। क्या उसने कहा? नवंबर 19 ऑनवर्ड्स ये दो टेक्निक्स उसने डिलीट कर दी सिलेबस में से। उसने कहा सिमुलेशन भी मत करो, मोंटे कार्लो सिमुलेशन था वो भी मत करो, ठीक है। वो कहता है डिसीजन ट्री एनालिसिस भी छोड़ दो, वो कहता है दो बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ दो। थोड़ा सा टेक्निकल था ये दोनों पार्ट, सिमुलेशन वाला भी और डिसीजन ट्री वाला भी। तो इंस्टीट्यूट ने कहा इंटरमीडिएट लेवल पर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। थैंक गॉड सर, दो टेक्निक्स हमारी कम हो गई। अब हमें कितनी पढ़नी है? तीन और दो पाँच, पाँच और दो सात, सेवन टेक्निक्स पढ़नी है, ठीक है। तो मतलब लगा के चलो कि ऑलमोस्ट सेवन टॉपिक्स, सेवन लेक्चर्स हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम लोग ये रिस्क एनालिसिस ऑफ कैपिटल बस्टिंग को कंप्लीट कर देंगे, मैक्स टू मैक्स सेवन लेक्चर्स, ठीक है। हो सकता है कि किसी लेक्चर में मैं दो टेक्निक्स भी करवा दूँ, जो छोटी छोटी कोई टेक्निक्स हुई, तो हो सकता है कि दो में मैं एक टेक्निक दो लेक्चर्स में सॉरी एक लेक्चर में दो टेक्निक्स करवा दूँ, ठीक है, चांसेस कम है। तो मैक्सिमम सेवन लेक्चर्स हैं इसके हमारे पास रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग के, राइट। बेसिक क्लियर हो गया कि रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग का बेसिक मतलब क्या है, कि और इसको पढ़ने का पर्पस क्या है इन रिलेशन टू कैपिटल बस्टिंग। क्योंकि कैपिटल बजटिंग में क्या है कि बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, आप उस पैसे को खराब नहीं होने दे सकते, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एनालाइज द रिस्क, एंड यू हैव टू एडजस्ट दिस दैट रिस्क इन द कैश इनफ्लोज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। चलो जी, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी।
नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी। अच्छा एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ इसमें कि इस चैप्टर में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं कहूँगा याद कर लो, कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होंगे जिसकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वो स्टैटिस्टिकल पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर हम उसमें चले गए तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा हम लोगों का, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं कहूँगा कि याद कर लो, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक बता दूंगा उसके बाद कहूँगा याद कर लो, जहाँ पे ये चीज़ होगी मैं आपको क्लियरली कह दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सेंड मी एन ईमेल एट kasjteaching@gmail.com or you can connect with me on Telegram group also, that is kasjteaching.ca/inter, okay. And for notes and questions you can visit the website, and for cost accounting revision course that is being conducted, www.ksjteaching.org, right? So that's all for this lecture, friends. Thank you so much.